Hello friends, welcome to Programming by Shuklaclasses. Today's topic is pointers in C++. Complete topics जो है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो let's begin. First question है हमारा, what are pointers in C++? Pointers क्या होते हैं C++ में? तो for a C++ program, computer memory is like session, okay? Memory cells. Each holding one byte size and having a unique address. Dealing with these memory addresses in programming is done by pointer. हर एक memory address से deal करने के लिए उसमें pointers जो हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं. Pointers are extremely powerful programming tool that can make things easier and help to increase the efficiency of a program. And allow programmer to handle an unlimited amount of data. It is possible for pointers to dynamically allocate memory. Okay, ये possible है pointers में कि वो dynamically allocate कर दे memory को, where programmers don't have to worry about how much memory they will need to assign for each task. Okay, so which cannot be done performed without the concept of a pointer. ये है, बिना pointer का concept समझे हुए हम नहीं कर सकते हैं. तो hence pointer is considered as the most distinct and strict feature of C++ language, which adds power as well as flexibility to the language. In other words, a pointer variable holds the address of a memory location. तो हमने यहाँ पे समझा pointers क्या है और उसकी कितना महत्वपूर्ण है C++ programs में. तो pointer की definition समझते हैं. जो syntax, syntax है हमारा type variable name. example लिया तो हमने integer type का हमारा data है, height उसका एक variable, character type का data है, age उसका एक variable है. okay, benefits of using pointers in C++. क्या benefit है pointers को use करने का C++ program में? तो pointers, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंटर सेव द मेमोरी. पॉइंटर जो है वो मेमोरी को सेव करते हैं. हमारे मेमोरी जैसे कि बिना पॉइंटर के अगर हम करते हैं तो हमारी मेमोरी का लॉस ज़्यादा होता है, और पॉइंटर के थ्रू करते हैं तो हमारी मेमोरी का लॉस कम होता है. सेकेंड है, पॉइंटर्स रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोग्राम. पॉइंटर्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं उसकी लेंथ को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को किसी भी प्रोग्राम की. थर्ड है हमारा, पॉइंटर्स अलाउ पासिंग ऑफ एरे एंड स्ट्रिंग टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली. फोर्थ है, पॉइंटर्स मेक पॉसिबल टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन. फिफ्थ, पॉइंटर्स इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड. हाउ टू यूज पॉइंटर्स इन C++? एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD. इंटीजर मेन फंक्शन को स्टार्ट किया. यहाँ से इंटीजर n की वैल्यू हमने जो दी है वो है 20, और एक पॉइंटर को असाइन किया है. एक्चुअल एंड पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन. पॉइंटर इज इक्वल टू %n इन द एड्रेस, स्टोर एड्रेस ऑफ n इन पॉइंटर वेरिएबल. ओके, काउट द एड्रेस ऑफ n वेरिएबल, आउटपुट एज द एड्रेस n एंड द एंड द प्रिंट एड्रेस इज स्टोर्ड इन pointer variable. Count the address stored in the pointer variable. Pointer indel, pointer access the value of the pointer. The count pointer variable indel the system pause and return 0. Output देखते हैं. Output है हमारा address of n variable 0 28FF44. Address stored in pointer variable 0 28FF44. The pointer variable 20. Continue. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं पॉइंटर को समझने में. C++ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइंटर. कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो. और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, हमेशा अपडेटेड रहने के लिए C++ एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेटेड विद इन्फॉर्मेशन. थैंक